नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे एयरपोर्ट में एक नई वैकेंसी आई है उसके बारे में। AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड की तरफ से फिर से बम्पर वैकेंसी दोस्तों आपका आया है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 3000+ आपका पोस्ट आपका नजर आने वाली है, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए 10th 12th ITI डिप्लोमा या आपने कोई डिग्री या ग्रेजुएशन कर रखे हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखें। वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड की तरफ से आया है, जो कि इसको पहले जो नाम जाना जाता था एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड की तरफ से। फिलहाल अभी इसको जो नाम दिया गया है AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, और इसमें काफ़ी दिनों से काफ़ी जगह से इसके जितने भी यूनिट्स है काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आ रखी है। और अभी जो वैकेंसी है दोस्तों AI एयरपोर्ट मुंबई की तरफ से आया, जो कि 3000+ आपका पोस्ट रहने वाली है। इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है वो आपका 28 जून को रिलीज हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन नंबर आप देख सकते हो दोस्तों, ये इसका नोटिफिकेशन नंबर है। और ये जो रिक्वायरमेंट दोस्तों एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, यहाँ पर देख सकते हो रिक्वायरमेंट एक्सरसाइज एट मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो आपका जो जॉब रहेगा मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में रहेगी। काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, सभी पोस्ट के क्वालिफिकेशन आपका अलग अलग रखा गया है। तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखें, सारे डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो पोस्ट है वो आपका टर्मिनल मैनेजर पैसेंजर के लिए 2 वैकेंसीज है, और डिप्टी टर्मिनल मैनेजर पैसेंजर के लिए 9 सीटें हैं, और डिप्टी मैनेजर पैसेंजर के लिए 19 सीटें हैं, और ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर के लिए 42 सीटें हैं। जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विस के लिए 45 सीटें हैं, और रैंप मैनेजर के लिए 2 सीटें हैं, और डिप्टी रैंप मैनेजर के लिए 6 सीटें हैं, और डिप्टी मैनेजर रैंप के लिए 40 सीटें हैं, और जूनियर ऑफिसर टेक्निकल के लिए 91 सीटें हैं यानी कि 51, और टेक्निकल मैनेजर कार्गो के लिए 1 है, टर्मिनल मैनेजर कार्गो के लिए 3 सीटें हैं, और डिप्टी मैनेजर कार्गो के लिए 11 है, डिप्टी ऑफिसर कार्गो के लिए 19 है, और जूनियर ऑफिसर कार्गो के लिए 56 सीटें हैं। पारा मेडिकल कम कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 3 सीटें हैं। और ये सारी जो वैकेंसीज है उसका जो वॉक इंटरव्यू होगा आपका 12 जुलाई और 13 जुलाई को सुबह 9:30 बजे से स्टार्ट होगा, और 12:30 बजे तक इसका जो एंट्री रहेगा, देन इसके बाद आपका एंट्री नहीं होगा। और इसके लिए एड्रेस की बात करो तो GSD कॉम्प्लेक्स नियर सहार पुलिस स्टेशन CSMI एयरपोर्ट टर्मिनल 2 गेट नंबर 5 सहार अंधेरी ईस्ट मुंबई में। तो इस जगह पर आपका इतनी सीटों के जो है वॉक इंटरव्यू होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट सीटों के लिए, तो यहाँ पर रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पर 406 सीटें हैं, और यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर के लिए 263 सीटें हैं, और हैंडीमैन मेल के लिए यहाँ पर देख सकते हो 2216 सीटें। सबसे ज़्यादा दोस्तों आपका हैंडीमैन मेल के लिए वैकेंसीज है जो कि 2216 सीटें हैं। उसके बाद यूटिलिटी एजेंट मेल के लिए यहाँ पर 22 सीटें हैं, और रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव और यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर का जो इंटरव्यू होगा वो आपका 14 जुलाई और 15 जुलाई 2 दिन इसका इंटरव्यू रखा गया है, और हैंडीमैन मेल और हैंडीमैन एजेंट फीमेल सॉरी मेल के लिए इसमें भी है, हैंडीमैन मेल और यूटिलिटी एजेंट मेल दोनों की जो वर्क इंटरव्यू होगा आपका एक ही दिन में होगा 16 जुलाई को 9:30 बजे से एंट्री होगा, 12:30 बजे तक इंटरव्यू आपका होगा, और इंटरव्यू के सेम एड्रेस है, इसी एड्रेस पे जाके आपको इंटरव्यू देना है, ठीक है। आप डेट देख सकते हो दोस्तों, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर डेट दिया गया है, ठीक है। और ये जो रिक्वायरमेंट रहेगा दोस्तों आपका मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में रहेगा, जो कि फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट 3 ईयर्स का एज आपका जॉब रहेगी। देन इसके बाद आगे की रिक्वायरमेंट, अगर इनकी रिक्वायरमेंट इनकी जॉब जरूरत रहेगी तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी करेगी। फिलहाल अभी आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो 3 साल के लिए आपको रखा जाएगा एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, ठीक है। और यहाँ पर मेडिकल वगैरह प्रोसेस वगैरह भी यहाँ सारा डिटेल्स दिया है, एज अ रीड कर सकते हो। अब यहाँ बात करते हैं कि इस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और क्या कितना सैलरी आपको मिलने वाली है। आप अगर टर्मिनल मैनेजर पैसेंजर के लिए अगर जाते हैं तो सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए, या MBA वगैरह है तो कर सकते हैं, जा सकते हैं, या आपके पास कोई रिलेटेड एक्सपीरियंस है। और इसमें सैलरी रहेगी 75,000, और 18 से 55 साल तक है तो भी इसमें अप्लाई कर सकते जो है वर्क इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। डाय टेक्निकल मैनेजर
पैसेंजर की बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए या MBA वगैरह, तो ये सभी जो है हाई प्रोफेशनल के लिए है। आप अगर सिंपल डिप्लोमा वगैरह किए तो उसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा नोटिफिकेशन है तो सभी चीज़ें डिटेल्स बताना पॉसिबल नहीं है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको रिकवर कर दे रहा हूँ, ठीक है। डिप्टी ऑफिसर पैसेंजर के लिए ग्रेजुएशन रखा गया और साथ ही 12 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, 32,200 सैलरी रहेगी, ठीक है। और जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विस भी इसमें सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ ही 9 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, 29,760 रुपये सैलरी रहेगी। जनरल के लिए 37 साल है, बाकी एस सी एस टी तो एज का रिलेक्शन आपको मिलेगा, OBC के लिए 3 साल है, SC ST के लिए 5 साल है। रैंप मैनेजर के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन रखा गया, 20 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया, या फुल टाइम अपने बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग वगैरह जैसे मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वगैरह से आपने कोई इंजीनियरिंग डिग्री कर रखे हैं और 15 साल का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या आपने सिंपली 3 ईयर्स का डिप्लोमा रिलेवेंट ब्रांचेस से हैं तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या MBA की हैं 3 साल का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 75,000 तक का सैलरी रहेगी और 55 साल तक इसमें एलिजिबल होंगे। उसके बाद और भी वैकेंसीज है, डिप्टी रैंप मैनेजर के लिए इसमें आपका ग्रेजुएशन रखा गया या आपने BBTech या डिप्लोमा किए तो अप्लाई करेंगे, बट इसमें भी आपके एक्सपीरियंस मांगे गए हैं, तो ये भी रिलेवेंट फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कुछ कुछ वैकेंसीज के लिए। बाकी वैसे भी सीट है जिसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस आपसे नहीं भी मांगा गया, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस पोस्ट में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और डिप्टी मैनेजर कार्गो के लिए तो यहाँ पर ग्रेजुएशन है, साथ ही आपने 16 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई करेंगे। जितना भी ऑफिसर्स लेवल के वैकेंसी दोस्तों सभी में आपके एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। पारा मेडिकल की बात करें तो इसमें BSc नर्सिंग वगैरह किए हैं तो भी अप्लाई करेंगे, या ग्रेजुएशन के साथ आपने डिप्लोमा नर्सिंग वगैरह से किए तो अप्लाई कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह से एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, ठीक है। और रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पर 3 ईयर्स का डिप्लोमा आपका रेलेवेंट ब्रांच से होना चाहिए, या आपने ITI किए हैं रेलेवेंट ट्रेड से, 2 साल का ITI और आपके जो भी ट्रेड है उससे आपके पास जो अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, दोनों मिला के आपको 3 साल होना चाहिए। और यहाँ पर ट्रेड दिया गया है जैसे इलेक्ट्रिशियन, फिटर, एयर कंडीशनिंग, डीजल मैकेनिक, बेंच फिटर, वेल्डर वगैरह, तो आपने स्टेट से किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, वर्क इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। 27,450 रुपये सैलरी रहेगी, 28 साल तक जनरल के लिए, बाकी एज का रिलेशन आपको कैटेगरी वाइज मिल जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज़ है, हैवी मोटर व्हीकल्स यानी कि HMV का ड्राइविंग आपके पास जो है होना चाहिए, क्योंकि स्किल टेस्ट के दौरान आपको ये टेस्ट कर जो है देना पड़ेगा, ठीक है। यूटिलिटी कम एज एन रैम्प ड्राइवर के लिए 10th पास के लिए वैकेंसीज है, और इसमें भी आपका HMD का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 24,960 रुपये सैलरी रहेगी, इसमें भी कोई भी एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया है। अब बात करते हैं हैंडीमैन के लिए, मेल के लिए, इसमें टोटल जो है 2,216 आई थिंक पोस्ट है, और इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th मांगा गया है, और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज आपको जो है पढ़ना और समझ में आना चाहिए, बाकी आपके लोकल लैंग्वेज वगैरह या आपको हिंदी वगैरह आता है तो आप जाके इंटरव्यू दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 22,530 रुपये आपका सैलरी रहेगी और 18 साल तक एज लिमिट है, बाकी एज का लक्ष्य आपको कैटेगरी वाइज मिल जाएगी। और उसके बाद यूटिलिटी एजेंट मेल के लिए वैकेंसीज, इसमें भी 10th पास मांगा गया है, और इसमें जो है लोकल लैंग्वेज के साथ साथ अगर आपको हिंदी वगैरह लैंग्वेज भी आता है तो भी आप जा सकते हैं। 22,530 रुपये सैलरी रहेगी और यहाँ पर एज वगैरह आपको मिलेगा, एज देख सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सभी पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेक्शन है। अगर हैंडीमैन यूटिलिटी एजेंट की बात करें तो इसके लिए सिंपल, सबसे पहले आपको फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट यानी कि PET टेस्ट होगा, यानी कि एज लाइक बात करें वेट लिफ्टिंग और रनिंग वगैरह का आपका होगा। ये क्वालिफाई होने के बाद आपको जो वर्चुअल इंटरव्यू या पर्सनल इंटरव्यू होगा, देन इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस सबसे ईजी है, सबसे पहले आपको फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट यानी कि वेट लिफ्टिंग और रनिंग होगा, ये सारे क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा, देन इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन के फाइनल ज्वाइनिंग आपको कर दी जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है, तो इसके लिए देखिए आपको सबसे पहले बैंक का डिमांड बनाना पड़ेगा, DD, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा बैंक से, कोई भी बैंक से आप जा सकते हैं, बना सकते हैं 500 रुपये का, जो कि AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के नाम से पेबल होगा और 8 मुंबई में होगा। तो ये चीज़ आपको जब फॉर्म DD भरेंगे यानी कि डिमांड ड्राफ्ट भरेंगे तो ये आपको मेंशन करना होगा AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड पेएबल 8 मुंबई, ठीक है, इसी नाम पर आपको पेएबल करना है, 500 रुपये का DD बनवाना है और वो आपको डिमांड ड्राफ्ट लेके आपको जब इंटरव्यू होगा उस दौरान आपको लेके जाना है, ठीक है। साथ ही आपको 3 मंथ का ओल्ड कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
और यहाँ जो भी डॉक्यूमेंट्स मेंशन है ये सारा डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपको स्पेस पोस्ट के माध्यम से आपको भेज देना है, ठीक है। और ये इसका ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म है, ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमको जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया गया, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। आपको देखिए इस एड्रेस पर आपको भेजना होगा स्पेस पोस्ट के माध्यम से, ठीक है। तो ये ही एड्रेस है, इसी एड्रेस पर आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भर के सेल्फ असिस्टेड सारे डॉक्यूमेंट्स करके अटैच करके आपको सेंड कर देना है, ठीक है। सेंड नहीं करना, सॉरी दोस्तों, इसको जो है आपको इंटरव्यू के दौरान ले जाना है, सॉरी सेंड नहीं करना है, ठीक है। आपको इस जब इंटरव्यू होगा उस दौरान आपको ये लेके जाना है, ठीक है। जिस डेट में आपका इंटरव्यू है उस डेट को ये सारे फिल करके आपको ले जाना, स्पेस पोस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो सारे डिटेल्स मैंने बता दिया दोस्तों, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब मिलता है अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।